तो अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000, तो स्पेशली इस बजट में आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर मिलेगा, जो कि 4 से 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए काफी बढ़िया होता है। और साथ में दोस्तों 3 स्टार या 4 स्टार मिलेगा। अगर आपको 5 स्टार लेना है तो थोड़ा सा आपको प्राइस 17,000 से 18,000 तक पुश करना होगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हमने बहुत सारे जो 15,000 की कैटेगरी में आने वाले रेफ्रिजरेटर है वो सिलेक्ट किए थे, बहुत सारे कंपेयर किए थे, उसमें से आपके लिए फाइनली 5 ऐसे रेफ्रिजरेटर लाए हैं, टॉप 5 रेफ्रिजरेटर जो आप 15,000 से अंडर में खरीद पाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें सच में एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना है, अंडर 15,000 लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा इजी कराना है। तो अगर आपको आगे ये वीडियो पसंद आए और काम का लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो के पहले हमने सिंगल डोर, डबल डोर का और कई सारे वीडियोज़ हम लेके आए हैं। बाइंग गाइड का वीडियो था रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, और अगर आपको डबल डोर में 20 से 25,000 के बजट में कोई अच्छा रेफ्रिजरेटर लेना है तो आई बटन तो उसका वीडियो दे दूंगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आपको देख लेने चाहिए एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेने से पहले। सबसे पहला पॉइंट, इंसुलेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और अगर ये अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो कूलिंग रिटेंशन काफी अच्छा होता है, और अगर पावर कट भी हो जाता है तो लंबे समय तक आपका जो अंदर कूलिंग है वो बरकरार रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको देखना चाहिए, अगर 15,000 की कैटेगरी में देखें तो जैसा कि मैंने बताया 3 से 4 स्टार रेटेड आपको रेफ्रिजरेटर मिलते हैं, एनर्जी इफिशियंसी BEE रेटिंग आपको मिलती है। तो 4 स्टार हमने कंसिडर किए हैं मोस्टली, एक जो रेफ्रिजरेटर है वो 3 स्टार है, तो इससे एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है, और सबसे मैक्सिमम जो होता है 5 स्टार होता है, तो 4 स्टार पर भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा वारंटी आपको कंप्रेसर पर 10 साल की हमने कंसिडर की थी, और 1 साल के प्रोडक्ट पर कंसिडर की थी, वही आपको सारे मिलने वाले हैं। सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इन्वर्टर कंप्रेसर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों इन्वर्टर कंप्रेसर से बहुत साइलेंट ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है, जब रेफ्रिजरेटर चलेगा तो बिल्कुल भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, बहुत बहुत विस्परिंग सी आवाज़ करेगा, यही हमने कंसिडर किया है। और अगर इन्वर्टर कंप्रेसर आप लेते हैं तो उसके और भी फायदे हैं, वो एनर्जी कंजम्पशन कम करता है, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल तक चलते रहते हैं, 10, 20, 25, 30 आराम से आपको चलता रहेगा। तो एक बेस्ट मॉडल से आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से चलता रहेगा। तो ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे और कंपैरिजन किया था मॉडल से लेके, तो ब्रांड से लेके, और टॉप मॉडल टॉप ब्रांड आपके लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 की लिस्ट। तो दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की लिस्ट में नंबर 5 पे हमने लिया है गोदरेज कंपनी का 185 लीटर वाला मॉडल, 4 स्टार रेटेड है और काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ही हो सकता है। इसके फीडबैक काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक इसे यूज़ किया है उनके जो फीडबैक है काफ़ी अच्छे हैं। इसकी जो कूलिंग इफिशियंसी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। जो इसका नीचे का पोर्शन है जहाँ आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखेंगे, उसकी कैपेसिटी आपको 152 लीटर यहाँ देखने को मिलती है, और जो अपर पोर्शन है जहाँ आप बर्फ जमा सकते हैं उसकी कैपेसिटी आपको 33 लीटर देखने को मिलती है। तो फ्रीजर कैपेसिटी थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आगे के मॉडल आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेंगे। हालांकि ये जो मॉडल है 10 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ में आता है और 1 साल की आपको प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा मॉडल है। इसके जो कलर वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको कूल लॉक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसे गोदरेज बड़ा चढ़ा के बताता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी में आपको जस्ट इंसुलेशन अच्छा मिल जाता है 54 mm का, जिससे कूलिंग बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है रेफ्रिजरेटर में। इंटेलिजेंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलती है, जिससे बहुत अच्छा सा साइलेंट ऑपरेशन मिलता है, एनर्जी कंजम्पशन कम होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है रेफ्रिजरेटर। आर्मर डोर डिजाइन का यूज किया हुआ है और ये एस्थेटिकली डिजाइन है, काफी अच्छा लुक देता है। हाइजीन प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया हुआ है, और इस टेक्नोलॉजी में जो डिफ्रोस्ट वाटर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लार्ज वेजिटेबल ट्रे आपको देखने को मिलती है और एंटी ड्रिप चिलर टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों आईसीआर वैल्यू के हिसाब से ये जो रेफ्रिजरेटर है 123 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है। बात कीजिए इसकी प्राइस रेंज के बारे में, तो अभी 14,000 रुपीज के लगभग ये मिल रहा है। करंट प्राइस जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो प्राइजेस हैं ऑफर के टाइम पे और भी ज़्यादा कम आपको मिल सकते हैं, तो बेस्ट बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 की लिस्ट में हमारे नंबर 4 पे आता है हायर कंपनी का लेटेस्ट मॉडल 195 लीटर कैपेसिटी में, 4 स्टार रेटेड है, तो एनर्जी
इफिशियंसी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत अच्छा सा ब्लैक कलर फिनिश देखने को मिलता है और जो फ्रंट है उसमें अलग से टेक्सचर दिया हुआ है, वुडी टेक्सचर दिया हुआ है और बहुत स्लीक और सिंपल डिज़ाइन इन्होंने रखा है तो काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो नीचे का जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कैपेसिटी आपको 176 लीटर मिल जाती है और जो फ्रीज़र कैपेसिटी है वो आपको 19 लीटर मिल जाती है। तो यहाँ फ्रीज़र कैपेसिटी कम है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो बर्फ़ ज़्यादा जमाना नहीं पसंद करते हैं या ऊपर के जो हिस्सा है उसका काम आपको कम पड़ता है। ओवरऑल ये रेफ्रिजरेटर में भी आपको 10 साल के कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है और 1 साल के प्रोडक्ट पे वारंटी मिल जाती है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 1 घंटे में आइसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है तो 1 घंटे में आपका बर्फ रेडी हो जाएगा। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है। वेजिटेबल ट्रे बहुत अच्छी दी हुई है और काफ़ी बड़ी ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। एंटीबैक्टीरियल गैस किट का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। टफन ग्लास स्लीव्स यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। बॉटल गार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और बड़ी बॉटल्स भी आप काफ़ी आसानी से इसमें रख पाएंगे। एक्सटर्नल हैंडल जो इन्होंने दिया हुआ है और जो डिज़ाइन इन्होंने बनाई है वो काफ़ी अच्छी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पीछे का जो हिस्सा है वो क्लीन बैक के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हायर का ये दमदार मॉडल पूरे साल 128 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है और बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो अभी फिलहाल 14,600 रुपीज के लगभग कॉस्ट कर रहा है। ऑफर या सेल चल रही हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की लिस्ट में नंबर 3 पे हमने लिया है वोपुल कंपनी का 190 लीटर वाला मॉडल, 4 स्टार रेटेड है और बहुत अच्छे से फीडबैक है। जिन्होंने भी इसे अभी तक यूज किया है उन्होंने काफी अच्छे फीडबैक इसके दिए हुए हैं। इसकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी बनाई हुई है, इंसुलेशन काफी अच्छी क्वालिटी का यूज हुआ है, जो टफन ग्लास स्लीव्स है उसमें भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। कूलिंग रिटेंशन बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। जो नीचे का पोर्शन है रेफ्रिजरेटर पोर्शन उसकी कैपेसिटी आपको 159 लीटर देखने को मिलती है और जो फ्रीजर पोर्शन है जहां बर्फ जमता है उसकी कैपेसिटी आपको 14 लीटर देखने को मिल जाती है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है लेकिन मुझे ये ब्लू वाला ज़्यादा पसंद आया और एक इको कलर आता है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी और 1 साल की आपको प्रोडक्ट पे वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है और ये VDI जर्मनी सर्टिफाइड है जो कि सर्टिफाइड देते हैं कि 25 ईयर्स तक रिलायबल रहेगा इनका जो कंप्रेसर है वो उसके प्लस ही रहेगा तो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें जंबो स्टोरेज देखने को मिलता है, बॉटल सेल्फ जो भी काफ़ी अच्छी बात है और कैपिलरी में काफ़ी अच्छा इंसुलेशन यूज़ किया हुआ है। इनका जो एंटीबैक्टीरियल गैस किट है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इन्वर्टर से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है। हनीकॉम टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलती है जो फ्रेश रखती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। लार्ज वेजिटेबल ट्रे यहाँ आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वर्लपूल का ये दमदार मॉडल पूरे साल आपकी 190 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और बात करें इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो 16,500 रुपीज़ के लगभग अभी ये कॉस्ट करता है। करंट प्राइस जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों नंबर 2 पे हमने लिया है सैमसंग कंपनी का 192 लीटर वाला मॉडल। बहुत अच्छा सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, आपको ग्रे कलर स्टील कलर यहाँ देखने को मिल जाता है। 2022 का मॉडल है हालांकि, लेकिन आज तक भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और सैमसंग का ट्रस्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। नीचे का जो पोर्शन है रेफ्रिजरेटर पोर्शन उसका जो कैपेसिटी है वो आपको 157 मिलता है और जो फ्रीजर कैपेसिटी है वो 25 लीटर आपको यहाँ देखने को मिलता है। 10 साल की इसमें भी आपको कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है और 1 साल की प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है। दोस्तों इस मॉडल में आपको सैमसंग डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और इस टेक्नोलॉजी में एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम यूज होती है, बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस होता है और साथ में बहुत ड्यूरेबल इनके मॉडल्स होते हैं। आप इसे इन्वर्टर से भी कनेक्ट करा सकते हैं, सोलर एनर्जी से भी आप इसे कनेक्ट करा सकते हैं। इसका जो बैक है वो सेफ और क्लीन बैक है, आपको वो आयरन ग्रिल्स देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। एंटीबैक्टीरियल गैस किट इन्होंने दी हुई है, बहुत अच्छा सा क्रोम बार हैंडल इन्होंने दिया हुआ है और जो डिज़ाइन है वो वाकई में बहुत अच्छी मॉडर्न लुक देती है। टफन ग्लास स्लीव्स का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है और जो बॉटल गार्ड्स है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और आप बड़ी बॉटल से लेकर छोटी बॉटल सारी कुछ बहुत अच्छे से जमा सकते हैं और वेजिटेबल ट्रे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बड़ी साइज में दी हुई है। तो दोस्तों सैमसंग का ये दमदार मॉडल आपको पूरे साल की 162 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है और बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो 15,500 रुपये के लगभग अभी करंटली कॉस्ट कर रहा है। करंट प्राइस और ऑफर जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा और प्लीज़ अपना परचेस वहीं से पूरा कीजिएगा। उससे इस चैनल की काफ़ी ज़्यादा मदद होगी आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज किए बिना, अगर आप वो लिंक्स यूज़ करते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000 की लिस्ट में नंबर 1 पे हमने लिया है LG कंपनी का 190 लीटर वाला मॉडल। बड़ा ही दमदार मॉडल है और इसका जो इंसुलेशन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, LG ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसमें कूलिंग रिटेंशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसका जो
ऑपरेशन है वो बहुत साइलेंट आपको देखने को मिल जाता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से काम करती है, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इसके जो नीचे का पोर्शन है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो कैपेसिटी है 168 लीटर देखने को मिलती है, और जो फ्रीजर पोर्शन है उसकी कैपेसिटी आपको 22 लीटर देखने को मिल जाती है। अलग अलग कलर वेरियंट्स में आपको देखने को मिलता है, लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये वाला आपको सजेस्ट किया। 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी और 1 साल की आपको प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों एलजी के इस मॉडल में आपको स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिससे बहुत साइलेंट ऑपरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल जाती है। स्मार्ट कनेक्ट फीचर इन्होंने दिया हुआ है, जिससे आप इसे इन्वर्टर से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। इनका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो बहुत अच्छा सा मॉइस्ट एंड फ्रेश रखता है वेजिटेबल्स को। फास्ट आइसिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने दी हुई है, जो 108 मिनट्स में काफी अच्छा फास्ट आपको आइस बना के दे सकती है। एक बहुत अच्छी बात है कि इसका जो बेस स्टैंड है वो ड्रॉवर के साथ में आता है, जिसमें आप आलू प्याज जैसी चीज़ें रख सकते हैं बड़ी आसानी से। टफन ग्लास स्लीव्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। एंटीबैक्टीरियल गैस किट का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और साथ में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको देखने को मिलता है, और आप इस रेफ्रिजरेटर को सोलर एनर्जी से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों एलजी का ये दमदार मॉडल पूरे साल की 162 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करता है, और बात की जाए इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो 15,500 रुपए के लगभग अभी कॉस्ट करता है। करंट प्राइस जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, और यहां जो गोल आया है प्लीज उसे दबा दीजिए, ये सब्सक्राइब का बटन है, हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी।